नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव हैं परशुराम जी, राज्य में हो सार्वजनिक अवकाश कुलदीप पांडे। सामाजिक व धार्मिक संगठन युवा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे ने संगठन केंद्रीय कार्यालय राजेंद्र नगर पश्चिमी गोकुलधाम से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि आगामी 22 अप्रैल दिन शनिवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ पूर्ण ब्राह्मण समाज मनाएंगे। युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज जहाँ भी है अपने आराध्य देव की पूजन अर्चन अवश्य करें। अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण के वंशज भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। पांडे जी ने यह भी बताया कि युवा जन कल्याण समिति के समस्त पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे संगठन का नेतृत्व करते हुए गोरखपुर महानगर में अक्षय तृतीया के पर्व पर परशुराम जयंती का पर्व मनाएंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवियों को सम्मान प्रदान करेंगे। इस दौरान युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे ने यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक मांग पत्र पोस्ट से भेजकर आगामी 22 अप्रैल दिन शनिवार को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करने की मांग की है। कुलदीप पांडे ने कहा कि हम सभी युवा महापुरुषों एवं देवी देवताओं की पूजा हर्षोल्लास के साथ करते हुए मनाते चले आ रहे हैं। अधिकतर देवी देवताओं व महापुरुषों की जयंती पर राज्य सरकार सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करती रहती है, परंतु कई वर्षों से ब्राह्मण समाज की जो मांग है कि परशुराम जयंती पर राज्य सरकार सार्वजनिक अवकाश छुट्टी करे, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ब्राह्मण समाज के हित में एवं ब्राह्मण समाज के सम्मान को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार से एक ऐतिहासिक घोषणा करना चाहिए जिससे समस्त ब्राह्मण समाज में हर्षोल्लास का माहौल उत्पन्न हो जाए। अगर मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं करते हैं तो सीधा सीधा ब्राह्मण की अवहेलना एवं अपमानित करना होगा। मंडल ब्यूरो आरपीएस समाचार गोरखपुर, सुनील पाठक। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।